हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि पहले एक ब्लॉग बनाया जाए। ये मेरा पहला ब्लॉग है, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हे इट्स अरमान। आज आप लोगों को एक सस्पेंसफुल और बहुत ही खूबसूरत जगह पर मैं ले जाने वाला हूँ। देखते हो जगह खुली है या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है वहाँ जाने का। चलो हम चलते हैं फिर। हम लोग आ चुके हैं अभी, और ये रहा आप लोगों का सरप्राइज। हम लोग अभी आए हैं मौला अली की दरगाह पे। हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पूरा पहाड़ है और पूरा पथरीला इलाका है, पर फिक्र मत कीजिए गाइज, हमको चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी मिलेगी। और अगर आप लोग गाड़ी से आते हैं तो यहाँ से आप लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे। जब तक हम ऊपर चढ़ जाएंगे ना, उसके बाद देखना आप लोग बहुत कुछ भी हुआ था। यहाँ आप लोग पार्किंग भी कर सकते हो अपनी गाड़ियों की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो गाइस, ये एक और रास्ता है, मतलब मैं गाड़ी से आया हूँ इसलिए मुझे उधर साइड से आना पड़ा। अब अगर आप लोग इधर साइड से भी आ सकते हो, ऐसी इस टाइप की सीढ़ियाँ, वाह, इस टाइप की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, और ऐसी जगह है। ये एक और रास्ता है यहाँ का, आप लोग यहाँ से भी आ सकते हो। वाओ, अगर आप लोग मतलब चढ़ के आना चाहते हो तो यहाँ से भी आ सकते हो। ये सीढ़ियाँ है, मैं गाड़ी वाले रास्ते से आया हूँ, जहाँ से मतलब उस रास्ते से आया हूँ। ये कुछ ऐसा नज़र आता है। अभी हम लोग और ऊपर जाने वाले हैं सुबह सुबह, मस्त भी आ रहा है यार। चलिए आगे का आगे कवर करते हैं और थोड़ा सा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसका टाइमिंग लिखा हुआ है कि कौन यहाँ से हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। 400 पायरिया है गाइस, लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। हम लोग अभी 400 पायरिया चढ़ने वाले हैं ऊपर। और आप लोगों को पता है मौला अली दरगाह जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद शहर में मौला अली नाम की एक जगह पर है, जो कि सिकंदराबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग यहाँ पर ऑटो से, बाइक से, अपनी ओन व्हीकल से आ सकते हो। दुआएं मांगने आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं। स्पेशली इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब अभी हम लोग ज़मीन पे है। अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुबह सुबह अगर आप लोग आएंगे ना तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। आधा हैदराबाद तो अभी से दिखने लगा है। इतने दूर तक तो आ चुका हूँ गाइस, आधा हैदराबाद नज़र आने लगा है। वैसे देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आसमान भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है अभी तो। मौला अली की सबसे अच्छी वाली हिस्ट्री, सबसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके पीछे, वो मैं ऊपर चढ़ के बताऊँगा। देखिए, थोड़ा नज़दीक तो लग रही है अभी। सो गाइस, देखो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, बहुत ही अच्छी हवा आ रही है यहाँ पर। और वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दरगाहें भी है। जैसे कि आप लोग ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको नज़र आते जाएगा, वहाँ पे एक दरगाह है, वहाँ पे एक दरगाह है, मे भी उसमें से एक दरगाह फातिमा की है। और वहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। पहाड़ पर पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, और आधा हैदराबाद भी नज़र आ रहा है। देखिए उधर साइड से पूरा वो पूरा नज़र आ रहा है। देखिए वो जो, ये जो दोनों छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये आराम करने की जगह है। यहाँ पर नॉर्मली जो मतलब लोग घूमने के लिए आते हैं वो लोग आराम करते हैं यहाँ पर। चलिए ऊपर चलते हैं। हवा का ना दबाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है अभी, बहुत ठंडी लग रही है। हमारा पहला कमान है जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो गाइस,
गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दरगाह के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को अभी दरगाह दिखाते दिखाते सुनाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1578 की बात है, कुतुब शाही के वजीर याकूब की तबीयत खराब हो गई थी। उस वक्त उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हरे रंग के लिबास में एक आदमी उन्हें एक पहाड़ के ऊपर जाने को कहता है जहाँ अली उनका इंतजार कर रहे हैं। याकूब उस आदमी के साथ पहाड़ पर जाते हैं जहाँ वो अली को एक पत्थर पे अपने हाथों को रख के बैठे हुए देखते हैं। सुबह जब याकूब की नींद खुलती है तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। वजीर ख्वाब में देखे पत्थर की खोज में निकल पड़ते हैं जिस पे अली अपने हाथ रख कर बैठे हुए थे। वो पहाड़ पर पहुँच के वो पत्थर देखते हैं। जब उनके पास जाकर देखा तो उस पत्थर पे पड़े निशान उसी शक्ल में पाए गए जिस तरह से अली ने अपने हाथ को उस पत्थर पर रख कर रखा था। फिर याकूब ने उस पंजे के निशान वाले हिस्से को कटवा कर पहाड़ के ऊपर दरगाह में रख दिया था। बेसिकली ये जो दरगाह है वो हज़रत अली के हाथों के निशानों की वजह से मशहूर है। और वो जो तलवार आपको वहाँ पे नज़र आ रही है वो तलवार इसलिए मतलब उन लोगों ने वहाँ पे लगाया है क्योंकि हज़रत अली जो थे वो कभी किसी से नहीं हारे थे। हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि हज़रत अली कभी किसी से नहीं हारे थे, इसलिए यहाँ पर जो मानने वाले लोग जो होते हैं वो यहाँ पर आने के बाद में अपने रोज़मर्रा के जो हथियार होते हैं या फिर काम करने के जो औज़ार होते हैं उस पर यह अली करके नाम लिखवाते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होगी, क्या ये तलवार क्यों लगाई हुई है यहाँ पे? ये तलवार है मौलाए कायनात के हाथ में जुल्फिकार जो थी, जुल्फिकार वो यही जुल्फिकार ऐसी जुल्फिकार सेम ऐसी दिखने वाली थी। खुली है अंदर की ना खोली जाए? नहीं नहीं बाहर से ले रहा, अंदर नहीं जा रहा। जा रहे अभी अंदर, सब जगह अली का नाम लिखा हुआ है। देखिए नमाजें भी पढ़ते हैं लोग यहाँ पे और मन्नतें मांगने के लिए भी आते हैं, यहाँ पे मांगते हैं मन्नतें। ये रही दरगाह, ये दरगाह के ऊंचे मीनार, ये कुछ इस तरीके से नज़र आती है दरगाह। सूरे लिखे हुए हैं दीवारों पे, पानी पीने के लिए भी है यहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर है। यहाँ वज़ू का टाका है, आप लोग वज़ू भी कर सकते हो। हमारे चाचा कर रहे हैं यहाँ वज़ू अभी ऑलरेडी। बाथरूम भी है यहाँ पे साइड में। ये एक और दरगाह है यहाँ पे, फीकी भी की दरगाह है। सुना है फीकी भी कभी शक्कर नहीं खाती थी इसलिए। हाँ क्या? हाँ पूरा फीका खाती थी, कभी कुछ मतलब शक्कर खाते ही नहीं थे। सुना है फीकी भी कभी शक्कर नहीं खाती थी। अस्सलाम वालेकुम। और इसीलिए जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ फीका उनके लिए लेकर आते हैं, मतलब बिल्कुल ही शक्कर वो नहीं खाती थी ऐसा बोला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा सा लुक दरगाह का, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो गाइस, मोबाइल के कैमरे में इतनी क्लैरिटी तो नहीं है मेरे, मगर फिर भी जितना कि आप लोग देख सकते हो गाइस, बहुत ही खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है कांच की। यहाँ पंसूरे पारे रखे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंदर नहीं जा रहा, यहीं से ले रहा। देखिए गाइस वो फुल ऑन का कांच का वर्क किया गया है इस पर, ग्लास ग्लासी वर्क है पूरा। और ये रही दरगाह। अस्सलाम वालेकुम। ये रहा गुम्मत सूरे। अभी वापस जा रहे हैं तो देख लो एक बार आप लोग फिर से, ऊपर से ऐसी दिखती है मौला अली की दरगाह।
फन ऊपर जाने के लिए पायरिया है, तो मैं भी ऊपर जाने वाला हूँ। वहाँ पे देखते हैं ऊपर जाके कि वहाँ पे क्या है। इस सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ओके, ये सीढ़िया है। अल्लाह, ओके, तो हम लोग ऊपर आ रहे हैं छोटी छोटी पायरियों से। मम्मी ओके, सो हम लोग ऊपर आए हैं। आप लोग देख सकते हो ये ऊपर का नज़ारा अंदर से। पहले मैं देख लेता हूँ उनको। ओके, सो ये और जहाँ लोग अभी गए थे, जो जगह पे हम लोग गए थे, ये वहाँ से जाने का रास्ता। यहाँ से ना बेटर व्यू हो गया है, मगर थोड़ा स्केरी है क्योंकि ओल्ड है ना, पहला ही वीडियो है। अल्लाह है, अल्लाह है। चलो कोई नहीं, चलते हैं। वो वैसे आई हैव नो आइडिया कि कितना पुराना है, पर फिर भी देखो पुराने ज़माने में ऐसी शेल्फ हुआ करती थी। ये वो जगह जहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए थे, मैंने आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए थे, अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से है कुछ ये पायरिया सीढ़ियाँ। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।